उम्मीद करता हूं कि आज आप अपने परिवार के साथ घर में ही होंगे और आप सेफ होंगे आपके परिवार के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में चल रहा है आज की डेट में लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आज की डेट में चल रहा है, तो हम आउटडोर शूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपने घर पे ही एक सेटअप बना के आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैं बनाने वाला हूँ आज इस बल्ब के अंदर एक फाउंटेन, जिसको हम कहते हैं फाउंटेन इन ए बल्ब। तो चलिए यार, इसके लिए हमें चाहिए होता है कुछ इस टाइप का एक घर में यूज़ होने वाला टंगस्टन बल्ब और कुछ बेसिक औजार, जैसे कि आपका प्लायर और ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, एक सिंपल सा कटर और एक छोटा सा नोज प्लायर और एक सेलो टेप और कुछ इस टाइप की हमारे को एक सिल्वर फॉइल शीट चाहिए होती है, और ये हमारा बेसिक जैसा एक इतना की चीज़ों से हम इसको बनाने वाले हैं। तो आइए इसे हम बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुल चुका है हमारा बल्ब और हमें फिर इसका एक फिलामेंट भी निकाल रहे हैं। एयर टाइट बनाना होगा, इसको एयर टाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हमें इसको अंदर ऐसे जब हम इसको इससे फिट करेंगे, इसमें ऐसे फिट कर देंगे, तो ये यहाँ से हमें इंश्योर करना होगा कि यहाँ से हवा बिल्कुल भी अंदर ना जाए, तभी हमारा ये फाउंटेन वर्क करेगा। तो मैं इसे एयर टाइट करने के लिए यहाँ पे ग्लू गन से इसको टेस्ट कर दूँगा, ग्लू गन ऑन कर देता हूँ।
इससे ना ज़्यादा ऊपर और ना इससे ज़्यादा नीचे। तो हम इसको पूरी तरीके से एयर टाइट बनाने के लिए इसे ग्लू गन से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे ग्लू गन बन गया, उसमें ग्लू गन से फिक्स कर दूँगा। Thank you.
ऐड कर देते हैं। बिल्कुल भी हवा हमारे ना कर सके। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये रेड है कि नहीं। आप इसमें सिंपली आप इसको कूक मारें तो इसमें से कुछ इस तरीके की वो हवा रिटर्न आती है, तो इसका मतलब ये फेल टाइप है। जैसा कि आप ये पूरे तरीके से फेल टाइप मारते हैं कूक कर, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने अपना बना लिया है कर लेंगे और यहाँ पे हम इस पर अपने बर्नर को लगा लेंगे। तो जैसा कि यार आपने देखा कि हमारा जो बर्नर हमने बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा उसमें से बहुत ज़्यादा फ्लेम्स निकल रही थी, तो हम उसकी जगह यार ये अपना छोटा सा सिंपल लाइटर से इसको गर्म करेंगे, क्योंकि यार हमें गर्म ही तो बनना है, छोटा ऐसे हमारे लिए उसके लिए हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसे गर्म कर लेंगे, तो इसका प्रोसीजर यार काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है कि जैसे कि हम जब इस बल्ब को गर्म करते हैं तो इसके अंदर की जो भी एयर है वो भी गर्म हो जाती है, तो उसके पार्टिकल क्या एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब फैलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो पार्टिकल्स फैलते हैं तो उन अब अंदर का हमारा स्पेस तो उतना है या स्पेस तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, वो तो वो स्ट्रॉ से होते हुए पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि जब एयर ठंडी होनी शुरू होती है, जैसे कि बाद में हम इसे हीट करना बंद करेंगे तो एयर ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो पार्टिकल की अंदर कमी हो जाएगी जिससे कि अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, और उसी वैक्यूम के बेस पे हमारा ये फाउंटेन वर्क करता है। तो मुझे लग रहा है कि अब हमारा काम इससे हो जाना चाहिए। तो इतना काफ़ी रहेगा, अब हम इसे चेक करते हैं कि कैसे वर्क करते हैं, कितना मज़ा आता है। तो हम यहाँ पे अपने पानी में इस स्ट्रॉ को ऐसे डुबो देंगे सिंपली, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ये पानी ऊपर उचड़ना शुरू हो चुका है, और जैसे मैं यहाँ पे इसको ठंडा कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं इसमें हाथ लगा दूंगा थोड़ा सा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यार इसको एक साइड को मुझे ठंडा करना पड़ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये हमारा फाउंटेन इस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना पानी यहाँ पे अंदर को आ गया है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये फाउंटेन हमारा वर्क कर रहा है। Thank you.
हम इसे ट्राई करते हैं दूसरी बार दूसरे कलर के साथ और दूसरे बल्ब के साथ। तो हम इसे हिट करेंगे, चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। अब इसे डाल देते हैं इसमें। ठंडा कर देंगे इसे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब की बार यार ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फाउंटेन हमारा किस तरीके से यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। देख सकते हैं आप, काफी अमेजिंग है। अब की बार ये अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वाह, अभी तक ये अच्छे से वर्क कर रहा है। यार काफ़ी मज़ा आया। तो आगे भी इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे कंटेंट और लेके आते हैं, जब तक आपका लॉकडाउन है तब तक हम अगर घर से भी इस तरीके की वीडियो बनाते रहें, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आप देखना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। थैंक यू सो मच। सेफ रहें, घर में रहें, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें।